अलमेक आज हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के बारे में वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मगर हम इसको आसान करने के लिए डिवाइड करते हैं तीन मेन पॉइंट्स में सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑफ़ द चाइल्ड नंबर टू है स्कोप ऑफ द फील्ड नंबर थ्री एंड लास्ट है कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ़ चाइल्ड तो सबसे पहले जो वाल्डेन हैं उनको क्या करना चाहिए उसको देखना चाहिए कि उनका बच्चा या बच्ची किस फील्ड में इंटरेस्टेड है और सेकंड ये है कि उस फील्ड का क्या स्कोप होगा आने वाले दिनों में कहाँ तक ये जाएगी और इसका क्या वैल्यू होगा लोकल एंड अब्राड उसके बाद तीसरी जो पॉइंट आ रही है वो है कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ चाइल्ड अब यहाँ क्वेश्चन ये आरइज होता है कि एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ़ चाइल्ड को कैसे जांचा जाए कैसे असेस किया जाए कैसे एवोल्यूट किया जाए उसके लिए आसान तरीका है कि वालदीन को चाहिए कि वो किसी काउंसलर जो एजुकेशनल कंसल्टेंट होते हैं या कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट बंदा होता है उससे सलाह मशवरा करें और बच्चे का इंटरव्यू करा करवाएँ तो वहाँ से उस बच्चे की कैपेबिलिटीज और जो एबिलिटीज़ होंगी उसका पता चल जाएगा और इंटरेस्ट का भी पता चल जाएगा कि क्या इसके लिए ये फील्ड सूटेबल है भी या नहीं है